हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको सबसे इजी तरीके से काइंड मास्टर की मदद से ऑनलाइन होमवर्क बनाना सिखाऊंगा। किस तरीके से हम लोग काइंड मास्टर की मदद से बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन होमवर्क बना सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, हमें सबसे पहले काइंड मास्टर को ओपन करना है। प्लस के आइकन पे टैप करके 16:9 का रेशियो सेलेक्ट करना है। फिर हमें मीडिया पे जाके बैकग्राउंड पे जाके कोई भी एक बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है अपने हिसाब से। जैसे आप देख सकते हैं अभी मैं वाइट सेलेक्ट कर रहा हूँ। फिर आपको लेयर पे जाके मीडिया पे जाके अपने स्कूल की जो मोनोग्राम होते हैं ना उसकी PNG निकाल लेनी है किसी भी बैकग्राउंड रिमूवर एप्लीकेशन से। फिर आपको इसे एडजस्ट करना है। फिर लेयर पे जाके टेक्स्ट पे जाके अपने स्कूल का नाम लिख लेना है। जैसे आप देख सकते हैं अभी मैं लिख रहा हूँ। फिर गाइस, नाम लिखने के बाद आपको ओके पे टैप करना है और इसका कलर आपको ब्लैक सेलेक्ट कर लेना है। फिर गाइस, आप इसमें जाके अपनी राइटिंग कोई भी अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपको इसे बड़ा छोटा करके एडजस्ट कर लेना है। फिर गाइस, आपको कैप्चर कर लेना है। कैप्चर करना बहुत जरूरी है। जैसे आपका काइंड मास्टर ज्यादा लेयर सपोर्ट नहीं करता तो गाइस आपको कैप्चर करने से ना वो जितनी मर्जी लेयर सपोर्ट कर सकता है, तो गाइस आपको कैप्चर लाजमी कर लेना है। फिर गाइस, मीडिया पे जाके बैकग्राउंड में जाके अपने हिसाब से कोई भी बैकग्राउंड सेलेक्ट कर ले। फिर लेयर पे जाके टेक्स्ट पे जाके इस बार आपको सर का नाम लिखना है। जैसे अभी मैं अपना फिलहाल नाम लिख रहा हूँ पर आपको सर का नाम लिखना है जैसे आपका जो भी नाम होगा। फिर आपको इसकी राइटिंग सेलेक्ट करके इसे छोटा बड़ा करके एडजस्ट करना है। फिर आपको दोबारा लेयर पे जाके टेक्स्ट पे जाके इस बार अपना सब्जेक्ट लिखना है। जैसे अभी मैं फिलहाल मैथ लिख रहा हूँ। गाइस, इसे आप एडजस्ट कर लीजिए अपनी तरफ अपने हिसाब से। फिर गाइस, इसे भी दोबारा कैप्चर कर लीजिए जैसे पिछले लिखो किया था। फिर गाइस, आपको ये बीच में नजर आ रहा होगा छोटा सा डब्बा जिसके ऊपर प्लस बना हुआ है, इसमें आप जाके कोई भी ट्रांजिशन इफेक्ट डाल सकते हैं। जैसे अभी मैंने डाला है, आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। फिर गाइस, आप इसमें देखिए नीचे आपको गेट मोर दिख रहा होगा, इसमें भी आप जाके अपना डाउनलोड भी कर सकते हैं काइंड मास्टर के स्टोर से। वाईफाई ऑन करके डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर गाइस, आपको लेयर पे जाके टेक्स्ट पे जाके अपनी क्लास का नेम और अपने चैप्टर लिख लेना है। फिर गाइस, इसे भी कैप्चर कर लेना है। फिर गाइस, लेयर मीडिया पे जाके बैकग्राउंड इस बार ब्लैक सेलेक्ट करना है और कोई बैकग्राउंड नहीं सेलेक्ट करना। फिर गाइस, जैसे अभी मैंने अपना काम ले आया हूँ जो भी मेरे को देना है। जैसे अभी फिलहाल गाइस, मैं खुद स्टूडेंट हूँ, अभी मैं काम वैसे ही बस आपको दिखा रहा हूँ। फिर गाइस, आपको इसमें की एनिमेशन लगाना है ताकि ये ऊपर से नीचे होता हुआ नजर आए। ये देखिए गाइस, बहुत अच्छा भी लग रहा है ना। गाइस, आपको की एनिमेशन बहुत ध्यान से लगाना है वरना आपका पूरा का पूरा खराब हो जाएगा लेसन। फिर गाइस, दोबारा मीडिया पे जाके ब्लैक बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है। फिर गाइस, अगर आपका सेकंड पेज भी है अपने काम का तो आपने सेकंड पेज में भी फुल वही प्रोसीजर करना है, वही की एनिमेशन लगाना है। ये देखिए गाइस, अगर आप ये बहुत जल्दी जल्दी ऊपर जा रहे हैं तो आप इसे यूं खींच के लंबा कर दीजिएगा, फिर इसकी स्पीड कम हो जाएगी। फिर गाइस, आपको एक और बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है और इसमें गाइस आप कुछ भी लिख सकते हैं जैसे ओके ओके गुड बाय।
जैसे अभी मैं लिख रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं। फिर गाइस जिसका भी आप अपने हिसाब से कलर सेलेक्ट कर लीजिए, इसमें ब्लैक ही वैसे ज़्यादा अच्छा लगेगा। फिर आपको राइटिंग सेलेक्ट कर लेनी है, और फिर जैसे पहले कैप्चर कर रहे थे फुल वैसे ही कैप्चर करना है। फिर ये बॉक्सेस में जाके आपको अपने हिसाब से कोई भी ट्रांजिशन इफेक्ट डाल देना है। फिर गाइस इसे एडजस्ट करके, फिर गाइस आपको सबसे प्रॉब्लम आती है वॉइस की, फिर गाइस आपके काइन मास्टर में के वॉइस में जाके रिकॉर्ड कर सकते हैं। और गाइस अगर आपने पहले से रिकॉर्ड की हुई अपनी आवाज़ तो लेयर पे जाके मीडिया पे जाके अपनी आवाज़ को ले आना है, जो जोन से भी आपकी वीडियो है, और उसके नीचे जाके एक्सपोर्ट एक्सपेक्ट ऑडियो कर देना है। फिर गाइस शेयर करने के लिए शेयर के बटन पे टैप करना है, एक्सपोर्ट कर दें।